दो ट्रेन इक्वल लेंथ की है ना, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 13 सेकेंड और 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ पोल। इफ दिस ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ए और बी दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक पोल है, उस पोल को क्रॉस करने में एक 13 सेकेंड लेती है, एक 26 सेकेंड लेती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कितना टाइम लेंगी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में। बस बहुत सिंपल है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकालते हैं हम, डिस्टेंस क्या है एल मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ है ना, और टाइम जो है वो कितना, टाइम कितना 13 सेकेंड लग रहा है ट्रेन ए को। फिर ट्रेन ऑफ बी निकालते हैं, इक्वल लेंथ दिया है क्वेश्चन में, फिर से एल इसकी लेंथ हो जाएगी ट्रेन की लेंथ, और टाइम जो है 26 लग रहा है। अब रिलेट टोटल स्पीड निकालना होगा, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पीड माइनस कर दो, L/13 माइनस L/26 कितना आ जाएगा, 26 L/26 ही आ जाएगा वापस। बस अब निकालना क्या, टाइम निकालना, तो टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है 2L, L+L ट्रेन दोनों दोनों ट्रेन की लेंथ होगी ना, 2L अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है अब भी निकाले, L/26 / 26, L से L कट गया, 26 × 2 कितना हो गया 52, 52 सेकेंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।